विधायक अनुप गुप्ता के अनुयायी में सिपाहियों ने भरी हुंकार। मोहाली तहसील परिसर पर किया था धरना प्रदर्शन। यूपी में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों एवं बेरोजगार नौजवानों की समस्या और हत्या, लूट एवं महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लापरवाही बरत रही है। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी के मोहाली तहसील परिसर पर पूर्व विधायक अनुप गुप्ता की अनुयायी में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद कई मांगों को लेकर एक ज्ञापन SDM मोहाली शशि भूषण राय को दिया गया है। इस दौरान देवनाथ यादव, नूर हसन, रमेश चंद्र शुक्ला, सुरेंद्र अवस्थी, बदलू राम निषाद, अशोक दीक्षित सहित सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता व गणमान्य नागरिक मौजूद। बेरोजगारी के खिलाफ आज हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि आज पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। व्यक्ति का ध्यान बटाने के लिए चाहे नौकरियां जा रही हो, चाहे व्यापार जा रहा हो और चाहे खेत खलिहान जा रहे हो, इन सब के ऊपर ध्यान बटाने का अगर कोई काम कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कुछ चैनलों को छोड़ करके बाकी ये टीवी के ऊपर केवल भारत और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान दिखा करके आदमी का ध्यान बांटने की कोशिश की जा रही है।